सूर्य उसका रिजाल आज दुनिया से गया
और उसके बाद ये उम्मत ऐसे सतुहाली का शिकार है और दिन ब दिन बिल्कुल पस्ती का शिकार है। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान पढ़ा तो है लेकिन उसको समझा नहीं है कि कुरान कहता क्या है। कुरान तो कहता है कि वलकुमुल्लाह कि जब तुम 308 हो, गिनती में तुम्हें 313 गिना जा रहा हो, 8 तलवारें हो, 2 घोड़े हो, हम तुम्हें हजार के मुकाबले में फतह दे देते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाला है कौन, समझने वाला है कौन, जिस कुरान को लेकर इकरमा बिन अबी जहल हो, जिसका वाले इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हो, लेकिन कुरान की आयतें और कुरान का रुख और कुरान की जनाब को रवानी उसका दिल बदल के रख दे और वो इकरमा कुरान पढ़ के कहे आजा किताब रब्बी आजा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब की किताब है, वो कुरान जिसने दिलों को फेर दिया, वो कुरान जिसने जमाने की रोह को फेर दिया, उस कुरान के होते हुए मुसलमान आज पूरी दुनिया में दुनिया खा रहे हैं। लेकिन उसकी वजह यही है कि वो मौजूद से जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारे के तरह होकर और कुरान जिन्होंने पढ़ा उन्होंने सारी कुरान पढ़ा नहीं, फिर कुरान की समझ कर तलवार उठाकर कभी कैसे किसरा के दरवाजे पर दस्तक दी, कभी जनाब उम्मत कुबरा के दरवाजे पर दस्तक दी, जनाब कभी पहले जमात तक घोड़े दौड़ा दिए और जनाब इस्लाम के झंडे को नापस कर दिया। लेकिन आज आज हमें वो मलूम मिल गए, वो कहते थे जो तुमसे पहले तख्त नशीन था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना यकीन था। मैंने कहा है और बेवकूफ बाबा जी तो वैसे भी कहते थे कि ये गजे बेवकूफ है, इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है जिसको पूरी दुनिया में कोई मुसलमान नजर नहीं आया, बल्कि तुझे तो उस मलून के मुकाबले में ये कहना चाहिए था कि हम गाजीउद्दीन के मिशन पर काम करते रहेंगे, जहां कोई उस्ताद पैदा हुआ अभी कमजोर हैं, हम उस मलून के तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इंशाल्लाह हमारी मंजिल यही है कि मुस्तफा रसूल की एक ही सदा। मुझे ये कहना चाहिए था कि तू अगर के अपने मुल्क में इलेक्शन जीता है, लेकिन तू याद रख कि हमारे दिलों को अगर किसी ने जीता है तो उसी ने जीता है जिसने मुस्तफा रसूल का सीना छीन लिया है। तू अपने मुल्क में इलेक्शन जीत रहा है, हमें इससे कोई हक नहीं। वो एक शख्स तुम इतने बड़े सियासी हो, तुम कहते हो वो इमरान खान को निकाल कर सबसे बात की जा सकती है, तुम ये नहीं कह सकते कि उस मलूम को निकाल कर सबसे बात की जा सकती है। तुमने सबने कहा कि एक शख्स के खिलाफ सबसे बात की जा सकती है, तो तुम्हारा दिमाग लास्ट चक्कर में क्या हुआ था कि तुम ट्विटर करके कह रहे हो कि जनाब हम उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। मैंने कहा हम तुम पे लान देने को तैयार हैं, हमें तुम्हारी मदारत उज़्मा से कोई गर्ज नहीं, हम तो इसलिए आए हैं कि इस सीट पर कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम आ जाए, इस सीट पर आना कोई मकसद नहीं है, इस सीट पर हुजूर के गुलाम को लाना मकसद है। और बाबा जी फरमा रहे हैं किसी को गिराना मकसद नहीं है, हुजूर के दीन को तख्त पर लाना मकसद है। और तुम इतने बड़े अहदे पर बैठ कर इतनी मतलब घटिया भी कोई बात है, और आज कल तुम एक सफेद चादर में इब्लीस की शक्ल निकाल कर किस मुंह से जाओगे काबे के सामने, किस मुंह से जाओगे हुजूर के सामने कि हुजूर आपका वो रियासती सतह का बदमाश और गुंडा वो गुस्ताख उसके साथ मैं काम करने की पेश कर करके आपकी बारगाह में आ गया हूं। जिनको ताज़ा ताज़ा इक्तदार से निकाला गया है, जैसे शैतान निकाला गया था ना जंगल से ताज़ा ताज़ा, उसको भी चैन नहीं आ रहा है, इसी तरह कुछ उसके चेहरे निकाले गए हैं इक्तदार से। तो मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, तू जो मर्जी चीखे मारता रहे, हम बात ही उससे करते हैं जो ताकतवर और मजबूत हो, तुम तो बेटा मजलूम हमारे हम तो जब तुम ताकत में थे, जब तुम मौत के मुकाबले में गोली चलाते थे, हमने तब तुम्हारी आंख में आंख डालकर कहा था कि मर जाएंगे, अब तो तुम मजबूर हो, हम तुम्हारी बात का क्या जवाब दें, अब तुम शैतानियां करते करते हो, शैतान के चेहरे में कभी इस मुकर में जाते हो, कभी इस मुकर में जाते हो। लेकिन एक बात बड़े मजे की है, इमरान खान
खिलाफ बात हो तो कभी किसी यूसीए ने किसी दूसरी पार्टी को आवाज नहीं दी कि और पीपल्स पार्टी वाले आना मेरी मदद करना, और अगर बिलावल के खिलाफ बात हो तो कभी किसी ज्यादा ने यूसीए को आवाज नहीं दी। और जनाब जब इन शरीफों के खिलाफ बात हो तो कभी किसी ने पटवारी ने आवाज नहीं दी कि जनाब एमपी वाले एमडीएम वाले भाजपा की बात सुनना मेरी मदद करो। लेकिन एक बात जरूर है, जब इस्लाम के ऊपर बात हो, जब हुजूर की जात के ऊपर बात हो तो इन सब को नजर में बैठ आने का है। और दूसरे दिन सफाइयां देने लगते हैं, नहीं मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, और जनाब मैं जनाब उसके खिलाफ नहीं हूँ, फिर तू श्री रमान के खिलाफ है, फिर तू किसके खिलाफ है, हमें भी बता, तू इनके खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट तू कहता है इन्होंने बनाई, और तू हकों को रोता है, हकों की बात ऐसे नहीं है, हजरत काब के मालिक को भी खत लिखा था, कैसा है रूम ने, हाँ, खत लिखा था तो आपको कहा था कि आजा, मैंने सुना है तेरे नबी तेरे से नाराज है, आजा मेरे तरफ आधी सल्तनत दे देता हूँ। तो हजरत काब के मालिक ने जब वो खत पढ़ा ना तो सवाल का ताप नहीं रखा, या फिर छुपा छुपा कर सहाबा को नहीं दिखाया कि ये देखो मुझे उधर से आकर आ गई है, ये देखो साजिश हो गई है, ये देखो मुदाखलत हो गई है, आपने वो खत उठाया और उसका तंदूर में डाला, फरमाया हुजूर का दर छोड़ने के अलावा कभी ख्याल में भी ना आए कि कहीं से कोई आकर आ गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो पटारी में आके आ गए जैसे साहब के साहब के साहब के कितने साहब। और भाई जड़ा उनके गुनामों ने गोलियां चलाए, उन्होंने शहीद करे रोजे की हालत में, वो कुरान सुना रहे हैं, हफाज उन्होंने घरों के छापे मारे, सैयद की चादर और चार दीवारी को पामाल करे, अमेरिका को भी जबरन पे उन्होंने कहा था उन्होंने हिम्मत दी। इसको ज्यादा वफादार अमेरिका को कौन मिल सकता, इसको ज्यादा वफादार फ्रांस को कौन मिल सकता। बस इतनी की गल है, किसी कानून नहीं लाना चाहते, साड़ी गल करने वाले जो इख्तलाफ बैठे हैं और वो किसी गलत फहमी का शिकार न रहें, इस तरह की बात पकड़े बंद करो। और मैं आज मिंबर पर खड़ा होकर कह रहा कि उस बकवास को डिलीट कर, बहसियत वजीर आजम तू मुसलमानों की इस्लामी रियासत पाकिस्तान का वजीर आजम है, तू किसी होर का वजीर आजम नहीं, तेन बोलते हो सोचना चाहिएगा कि मैं की कहने लगा। और रियासती सदर का गुंडा और बदमाश, उसने हुजूर की रियासती सदर पर गुस्ताखी की थी और उस गुस्ताखी के बदले असली जानें भी दीं, खून भी दिता, माल भी दिता, सब बच्चे भी कटवाए, लेकिन तू उधर आराम में बैठ के कह रहे थे कि हम उससे मिलकर काम करना चाहते हैं, अगर तुम उससे मिलकर काम करना चाहते हो तो वो तैयार वहीं से मोड़ कर उधर ले जाओ, इधर आने की जरूरत नहीं है, इधर हुजूर के गुलाम बसते हैं। और तुम मुसलमानों को धोखा देने के लिए उम्रों पर न जाया करो, बल्कि तुम अपने को मखसूस लिबास पहनकर वो शैतानी रोकियां पहन कर इस मौसम में बशर में जाया करो। तुम मुसलमानों को धोखा देने के लिए जनाब उनसे बदमाशी करने के लिए तुम एहराम पहन के उधर मदीना पाक और मक्का पाक चले जाते हो, तुम क्या समझते हो हमें खबर नहीं है, अगर तुम कहते हो हम काबे में चले गए तो हम क्या करें, होबल खुद काबे की छत पर पड़ा रहा है, क्या करें 360 काबे के अंदर बैठ रहे हैं, क्या करें तुम्हें। बात तो ये है कि हजरत उमर से पूछा था तो आपने हजरत से पूछो क्या मैं क्या करें, आपने फरमाया इसके ऊपर बैठ कर पेशाब करो और क्या करना है। और ये वो वक्त दूर नहीं कि जब अल्लाह ताला तुम्हें अल्लाहुम्मा आपसे वादा वक्तुल हुम्मा करा, अल्लाह तुम्हें अकेला अकेला करके जलील करेगा। ये बात तुम भूल गए हो कि शायद हमें खबर नहीं है कि तुमने अपनी हुकूमत की खातिर तो गिनती पूरी कर ली, हुजूर के इज्जत की कानून की खातिर तो तुमसे गिनती पूरी ना हुई।
याद रखना अल्लाह भी फिर तुम्हें गिन गिन कर बता देगा। अल्लाह सबसे बड़ी गैरत वाला है, उसको पास है तो अपने हबीब की इज्जत का पास है। और ये कोई गलत काम का मतलब सोचता रहे कि जनाब उनसे डील हो गई, उनसे डील हो गई। मैंने कहा डील करने तो तुम आते हो, सुबह से शाम तुम्हारे बेटे रास्ते करते हैं, डील उनसे करवा रहे हो। शर्म करो, हया करो। और रही बात मीडिया की, तो बाबा जी फरमाते थे हम तो मोहताज ही किसी के नहीं है। हम तो मोहताज किसी के नहीं है। ये उस दिन का इंतजार करें जिस दिन ये दिखाते रहे कि मोदी में कुछ नहीं है और लबैक वाले हुकूमत क्या है। जैसे मैं तो समझता हूँ कि ये भी अल्लाह की हिम्मत है कि मीडिया वाले हमें ना दिखाएं बराबरी की सत्ता। हमें जरूरत ही नहीं है इनके दिखाने की। किसने कहा हमें जरूरत है? हराम का माल लेफ्ट जेब वाला हमारे पास है नहीं कि हम इनको दे सके। हम जनाब बिल्कुल हलाल बने और एक जवानी की फालतू नहीं है कि हम इन्हें दे सके। हमारी बात करिए, हमें जमीन में जाना पड़ा, हम उन का पैगाम सुनाएंगे। कुरान सुनाना पड़ा, कुरान सुनाएंगे। हदीस सुनानी पड़ी, हदीस सुनाएंगे। बाबा जी के पैगाम सुनाने पड़े, सुनाएंगे। एक बात सुनाना पड़ा, सुनाएंगे। आधा आदत सुनाने पड़े, सुनाएंगे। नाजीमुद्दीन के वाक्य सुनाने पड़े, सुनाएंगे। मुमताज कादरी की तहरीर सुनानी पड़ी, सुनाएंगे। का कलाम सुनाना पड़ा, सुनाएंगे। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम इसको संभाल के रखो। मैं तो इसको ये समझता हूँ कि जैसे हुजूर ने फतह मक्का के मौके पर नाकाबंदी करवाई थी ना, अल्लाह ने भी हमारे लिए नाकाबंदी करवाई है। पता था लगे ना मैं मोमिन के सर पर एक दो दे या ना सुन दे तुझे परेशान ना है तो सिखाते अपने मतलब मुताबिक समझ नहीं रही है मुखालिफ करिए। जगह साड़ी लड़ाई तो फिर कुफर नाल है। असली मुताबिक समझ नहीं है जरा राती की तकरीर के दास पर जितना रही नहीं अमेरिका के खिलाफ। असली मुख्य मुताबिक समझिए आपना असली का जनाब अमेरिका इन्हें देखते बरतानी साम्राज्य के सामने सालम तोपों ने अकेले बंद छोड़ाया था तो फिर ये सीखा क्या कि जनाब मर जाएंगे ਕੋਈ ਮੋਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
अमेरिका का जवाब को याद कर सकता था हुजूर का नाम से रिकॉर्ड कर दिया हुए अमरीका का मिजाज भी जानते हैं अमरीका का नसाब भी जानते हैं अमरीका का नसाब के निजाम कायम करना भी जानते हैं इस्तेमाल करते अगर तेन कितने कोम होके कितने जमा तफरीक करके कोई रात रात तक खुल के तेन मुबारक दे उसमें मिल गई और तेन मुबारक सानू इस तरह करते नहीं और जब तो सीधे चलोगे तो फिर डाल देगी सानू इस तरह करते कि हुजूर की इज्जत तो देखो यहाँ पर आए और असि ये जानते हैं कि साडे बाबा ने सानू दस के कहन कि इज्जत उसकी होएगी जेड़ा हुजूर की इज्जत दी मदद बस असि इस चीज से कायल हां और कोई भी करे उस बेड़े में कोई भी उठाए असि उसके पीछे लगन में जा रहा लेकिन आवाज दे दो कहा वो तो बैग वाले मैं कह तो बैग वाले के क्या करे तुझे अपना हिसाब लो टीएलपी का मकसद ठहरा आकाबी नामूस का पहरा टीएलपी का मकसद ठहरा आकाबी नामूस का पहरा कितने वाली भाई खाली टीएलपी नहीं हुन आन दी रस्म तक यही मकसद है हुजूर दे आशिक दा यही मकसद है कि बस उन्हां दे नाम दा झंडा बुलंद हो इंशाल्लाह और उनका इज्जत ते कोई हाथ ना आवे बाकी सानू कोई कीमत देनी पवे उस वास्ते से आवे कोई कुर्बानी देनी पवे उस वास्ते आवे ना कोई वक्त देना पवे उस वास्ते आवे ना कोई माल देना पवे उस वास्ते आवे ना लेकिन उन्हां दी इज्जत ते कोई हाथ ना आवे बस साडा ही मकसद है और कुरान सुनन सुनन दा यही मकसद है और कुरान पढ़न दा यही मकसद है वो कोई हो वो कायनात के किसी कोने में हो इंशाल्लाह उसका अंजाम मन सब बात जब तक धोने का था ना उस वक्त तक हमारा कलेजा नहीं बनता सोचते तो बैग वाले कहा मैंने कहा बैग वाले यही है एक मेहरबानी करो हमने जो फतवा दिया है ना 15 सेकंड का फतवा है उसे जरा अपने जल्द से मैं चला अगर ना बैग हमने फतवा ये किया है कि जिस मुसलमान को उस्ताद जहां मिले उसको खत्म कर दो कि मैं हुजूर के दुश्मन को क्यों आया और मैं अगर हुजूर को नहीं मैं नहीं दौड़ के लाता साडे ते इतने दोस्त है बहुत सादा सा उस में दोस्ती को से रखना दोस्त से है ताल्लुक वो जो मर्जी हो जाए हमें इतना सा उस और यही हमारी जिंदगी का वो कहते हैं चैप्टर है और आप ये समझते हो कि आपको बुरी बातों से रोका नहीं जाएगा आपके नाने वालों से हम डरते हैं या जिनको दो लाए तो उनसे हम डरते हैं नहीं ये आपकी गलतफहमी है हमें सी कैप्टन ने एक बड़ा सादा सा उसूल बताया पहले नाफ को फाइल होगी वाय नसाब को हम अपील होगी कि अगर मैं अच्छा काम करूं तो मेरी हौसला अफजाई करना मेरी मदद करना और अपने नसाब को हम अपील होगी और अगर मैं बुरा काम करूँ तो मुझे आपसे रोकना कि भाई अभी आप तमाम से रोक रहे हैं उस दिन के आने से पहले पहले वो सारी चीजें वापस करो कि हमें अमल ना कर रखना पड़ेगा बस किसी बात है अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें कुरान का महाफिज भी बनाए और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को कुरान का तकद्दुस समझाने की तौफीक अता फरमाए और ये सारी ताले बाबा जी फरमा देते हैं कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि कोई क्या पढ़े कोई क्या पढ़े लेकिन एक बात जरूर है कि जब मुसलमान का बच्चा दुनिया की किसी एयरपोर्ट पर उतरे ना
तो उसे देखने वाला यूं देखकर कहे कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। बच्चों को कुरान पढ़ाएं और फिर वो कुरान पढ़ेंगे तो फिर समझाने के लिए बाबा जी की बातें हैं, कुरान समझाने के लिए बाबा जी के किले मौजूद है, उनकी बातें नकल करने के लिए आप सब मौजूद है, फिर हम उनको आगे बताने के लिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दासी पढ़ाएं। और ये वो तालीम है जिसको मेरे आका मौला ने जिसकी बुनियाद पर वो काबिले वाज को पहले लाया, और आज जो बड़ा कारी है कुरान उससे पहले लाओ। आज मेरे आका मौला खुद कब्र अंदर बता रहे हैं, लेकिन एजाज का मकसद जो बड़ा कारी है कुरान है उसको लेकर आओ। और फिर वो कारी कुरान सिर्फ कारी कुरान ही रहा, इस उम्मत के सबसे बड़े कारी हजरत सालेम है, और गज़वा जंगे जमामा में आप पहुंच गए और आपकी तरफ से किसी ने आवाज लगाई कि रूह आपकी तरफ से काफिर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बड़ा होते हैं उसके अंदर खड़े हो गए, फरमाया आप तो नहीं आगे बढ़ रहे। और इसी जंग के अंदर हजरत सालेम जैसे कारी कुरान शहीद हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाली कारी कुरान हाफिज कुरान नहीं, साथ मुहाफिज कुरान तब भी मुकम्मल होता है, तब कुरान पूरा होगा। और वही बात के ईद ऊपर हाफिज यकदी करम कायनात जिंदगी हाफिज करम, एक हाथ में हमारे कुरान होगा और एक हाथ में हमारे हुजूर की तलवार होगी, हुजूर की तलवार से मुराद आज का जदीद दौर का असला, वो बड़ी हमारे पास हो किसी की जरूरत कोई बात करे है किसी की जरूरत। कुरान के बारे में मैं कहता हूँ एक हर्ष के बारे में फैसल के बारे में कोई बात करने, लेकिन उसके बाद किसी अब हाफिज कुरान के हाथ में होगा तो फिर बात बनेगी ना, किसी हाफिज कुरान के हाथ में होगा तो बात बनेगी ना, इन नबियों के हाथ में होगा तो कोई बात नहीं बनेगी। बाबा जी फरमाते थे खाली टैंक चलाने के लिए खाली तुम्हारी जरूरत भी तो चाहिए, दरार टैंक चलाने के लिए दरार बदल तुम्हारी जरूरत भी तो चाहिए, वो दरार में जो दुश्मनों के नगे में फंस जाए तो घोड़ा भी फंस जाए तो आप उसके कान को बात करोगे मैं तुम्हारी शिकायत हुजूर को लगा दूंगा, तो हुजूर का नाम आ जाए तो मैं जानवर को भी बता करता है, बस ये पता नहीं कौन से जानवर हमारे जिम्मे जा रहे हैं जिनके सामने हुजूर का नाम ले लेके लब्बैक का सफरे कर करके पता नहीं कौन से चीज थे, इनको पता नहीं कौन सा कलमा पड़ा है, इनको समझ नहीं आती हुजूर की इज्जत का मसला, हम जनाब कुर्बानियां दे देते थक गए, हम समझा समझा के थक गए, ओए इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, जैसे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो। आखिर दावा करना मुस्तफा के